ठीक है कि हमने एक्चुअली क्या करी थी, मिनी बस। मैंने लव को बोला था चल ऋषिकेश चलते हैं। We'll find something very good and marvelous. पिछले साल की यादें फिर से ताजा हो गई। ये देखो यहाँ दीदी फोटो खिंचवाते हैं विक्की मैडम। This is a very much fun trip. तूने मुझे अकेला छोड़ दिया। Excuse me. मैं था कब साथ? Not supposed to happen like this. कैसे? Stop vlogging. Hey guys, what's up? Welcome back. Happy New Year. First of all, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं नए साल की। इस साल का पहला व्लॉग है, बल्कि पिछली क्लिप्स है, पिछले साल की कुछ दो तीन दिनों चार दिनों की क्लिप्स है, बट मैं अब डालू की मेरा लैपटॉप सही नहीं था। मैंने लैपटॉप ठीक करवाने के बाद फाइनली आई एम एबल टू एडिट दिस व्लॉग। एंड गाइस, यू नो नया साल शुरू हो चुका है, लेकिन इतने अच्छे तरीके से शुरुआत नहीं हुई है, बिकॉज ये वायरस दोबारा वापस। सीजन 3 चल रहा है, मैंने जो सीरीज होती है, सीरीज के सीजन आते हैं, अब तो ये सीजन 3 चल रहा है। आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस, स्टे सेफ एज मच यू कैन। घर पे रहना चाहते हो घर पे रहो, अगर बाहर भी जाना चाहते हो तो पूरी सेफ्टी के साथ बाहर जाओ। दिस नोट आई वांट आप ये व्लॉग एंजॉय करो, बहुत दिनों बाद व्लॉग डाला है, एंजॉय करो, चिल मारो। एंड गाइस, इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। इस व्लॉग में यही मेरी फ्रेंड तितली जो आई हुई थी कलकत्ता से, यू नो तितली मेरी कॉलेज के टाइम सिर्फ दोस्त है, तो वो आई हुई थी, वो यहीं पे ही थी इतने दिनों से, मेरे घर पे थी एंड वी वर हैविंग फन। हम ऋषिकेश में पूरी फैमिली को लेके गया। लंबा व्लॉग है, आराम से देखो, शांति से चाय वाय स्नैक्स ले आओ अपने। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू इन द एंड। करता है कैमरा लेके तू बैग में हर वक्त, करता क्या है लव? मैं इंतजार करता हूँ एक ऐसी घड़ी का जब मैं कुछ अच्छा मिल जाए मेरे को, और मैं कैमरे के साथ तैयार हूँ। लाइक व्हाट इफ आई मीट यू नो प्रियंका चोपड़ा ऑन द रोड। प्रियंका चोपड़ा, पहले गाड़ी तो धो ले। देखो गाड़ी, देखो इसका, लुक एट दिस, लुक एट दिस कार। कहाँ जा रहे हैं अभी? दारू लेने। दारू लेने जा रहे हैं क्योंकि ये कलकत्ता से इसलिए आई है, गुड़गांव जा रही है क्योंकि इसे दारू वहाँ सस्ती मिलती है। इट्स माय ब्रदर्स 18th बर्थडे आल्सो, बट यार शीशे क्यों चढ़ा रहा है यार? ये एकदम ही बुड्ढा हो चुका है। I'm repeating this for the nth time, I don't. और जिस तरीके से जितनी धीरे तू बोलती है ना, फिर सच में चाहिए कि अब शांत रहे। मैं चिल्लाऊं? हाँ। Oh my God, I cannot believe love. इसको सब कुछ से प्रॉब्लम है, गाड़ी का शीशा भी नीचे होगा तब भी प्रॉब्लम है। You are going to become a literally सड़ा हुआ अंकल इन सब। मतलब ये बहुत ज्यादा हो रहा है, अब सीरियसली बता रही हूँ मैं तुझे। शीशे ऐसे ऊपर करके कोई नहीं चलता है। Too noisy. Now better. 8 जन जा रहे हैं आज बस में, तुझे क्या हम शांति चाहिए? हम शांति देंगे तुझे? Maybe. अगर पुलिस है आप पे मास्क लगा। My God. पुलिस इज स्टैंडिंग देयर। वो क्या भाग के आएंगे इधर? Like literally दिख भी नहीं रहे। You know what? I'm not eye candy enough to be on camera. I don't know how many of you guys know from us college time, na? Huh. अभी आज हम guys वहाँ जा रहे हैं घूमने ऋषिकेश, because she wanted to go for a trip with me and I was like, मेरे को छोड़ के चली गई नैनीताल, because मैं plan नहीं बना रहा था कोई। She's like, मैं तो जा रही हूँ खेल ही। And इसको लगा कि मैं नहीं जाऊँगी, but actually मैं चली। I thought she will miss a train and she was going through by train, bus, और मेरे में भाई इतना है नहीं मेरे अंदर की। वो एकदम he is now कि बस गाड़ी है तो गाड़ी से जाना है। या फिर हाँ, तो we, that's why we arranged a mini bus. Literally for the ऋषिकेश। मैंने बस इसको बोला लव मेरे को तेरे साथ ट्रिप पे जाना है, ऋषिकेश चलते हैं। And then I'm seeing a group of 12 people. So guys, I mean I don't know, after so long, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा होगा, but after so long हम मैं तितली के घर के बाहर ही हूँ। MG Road, हमारी बचपन की यादें तितली। सच में can't believe it, कितना time spend किया हम दोनों ने एक साथ यहाँ पे। Serious. सही में आदत बिगाड़ दी थी मैंने इस लॉन्डिया की यहाँ पे। ऑफिस के बाहर आदत था किसी को कुछ करके। So we are just at the liquor shop, got so many liquors. ये अपनी लेके जा रही है। That's like a proper liquor shop, यार। खाते-खाते खाने जाने का मन ही नहीं करता था। उस समय वो इतना बुरा लगा। मेरा दिल ना बहुत छोटा है। मैं कमरे में भी जाकर रोती थी, मैंने कहा सोनू मुझे कहाँ छोड़ के चला गया। एक्चुअली आंटी जी पता है क्यों क्या ऐसे होता है? क्योंकि वो तो चला गया दूसरी जगह पे, लेकिन हम इसी जगह पे रह गए, तो वो यादें ज्यादा आती है। अगर आप भी उस टाइम कहीं और चले जाते ना तो आपको इतने नहीं आती। में क्या था ना, लॉकडाउन में सब इकट्ठे थे सुबह शाम, सुबह हम लोग वॉक करके आ रहे हैं, फिर नाश्ता कर रहे हैं। दो तीन साल से वो यहीं पे था आप लोगों के साथ, बहुत ही ज्यादा। लेकिन कोरोना के चक्कर में तो हम लोग एक ही साथ है ना, सुबह से लेकर शाम तक कहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए वो ज्यादा मेरे साथ ही चिपके रहते हैं। नहीं होती मम्मी मेरे से कितना करते हो? वो सादा मेरे साथ ही चिपके रहते हैं। अभी भी इग्नोर मार रही हूँ मेरे से कितना करते हो? तो मुझे भी लगता है मेरी मम्मी तो ऐसे करे, शादी करे, बच्चे पैदा करे। मेरे को शादी करनी नहीं है, आप बताओ। फिर मैं तेरे से पूछूंगी कि तू दोनों बच्चों में से
किसको ज्यादा प्यार करती है? यो, अभी मेरे फिर क्या जवाब दिया इसका? मेरे पास जवाब नहीं है, इसको जवाब तभी मिलेगा और जब इसकी शादी होगी। सही बात, बिल्कुल सही बात बोलती है जी, पते की बात। बोलो कुछ। हमेशा मेरे से एक ही बात पूछती है, आप मेरे को प्यार नहीं करते? आप मेरे को प्यार नहीं करते? कोई बात नहीं, वो तो वक्त बताएगा। और दादी जी कैसे हो? थोड़े से इधर होते हुए यहाँ पे दो लड़कियाँ हमारे साथ सो रही है। तितली, हाय तितली, शो मी तितली, जल्दी दिखाना नवनीत। हाय, एग्जैक्टली। सो अब देखो, बेस्ट चीज मैं बताता हूँ, यहाँ से आप निकलोगे, आपको वैसे बड़ा बेसिक सा रूम लग रहा होगा, लेकिन ये मैंने सेलेक्ट किया, इट्स सपोज्ड टू बी देयर समथिंग शुड बी स्पेशल इन इट, तो व्हेन यू ओपन इट तो यू विल फाइंड समथिंग वेरी गुड, एंड दैट इज जस्ट लुक एट दिस मार्वेलस। वाओ ब्रो, ट्रस्ट मी, इतनी ज्यादा ठंड है, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं तो कुछ तुम्हें पता ही, मैं तो बस ये डेनिम की पहन के चल देता हूँ जहाँ चलना होता है, बट इट इज सो कोल्ड ब्रो, इट इज सो कोल्ड। चलो थोड़ा सो जाते हैं। हिमांशु भी हमारे साथ। हाय हिमांशु। ये और राजन, फर्स्ट टाइम थे तो बहुत बार करा होगा ना? नहीं, दो तीन बार करा है। कर दो तीन कह रहे हैं? नहीं, ये दीदी का फर्स्ट टाइम है, मानिशल मैडम का, सॉरी रूबी मैडम का फर्स्ट टाइम है, विक्की मैडम का फर्स्ट टाइम है, तेरा सेकंड टाइम है, फर्स्ट टाइमर बिगिनर्स। एग्जैक्टली, तितली तूने भी करा हुआ है ना? तूने भी तो ऋषिकेश में किया था लास्ट टाइम व्हेन यू केम विद योर फ्रेंड्स, और तेरा भी वैष्णो देवी में करा था ना? यार पता नहीं कितना मजा आएगा, और अभी बोट भारी हो जाएगी ना भारी लोग बैठेंगे। सही बात है, तेरी बात हो रही है नवनीत, तो तेरी और मेरी बात हो रही है नवनीत, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो हमारी ये सब बोट्स वगैरह सब आ जाएगी भैया, परफेक्ट बता देंगे। ये देखो बोट भी तैयार है हमारी, भैया वाज वेरी नाइस, इतनी बढ़िया गाड़ी चला, देख मत पगली प्यार हो जाएगा लिखा है। अरे भैया जी कतई। So guys, basically हमने river rafting का half midway पूरा कर लिया, and I think first time experience कैसा रहा? सिर में दर्द हो गया सर? तो बहुत अच्छा रहा, पर सर दर्द भी बहुत जबरदस्त है। कोई ना कोई इंजरी हो ही जाती है, so और सॉरी। पर नवनीत सबसे ज्यादा बिचारी रानी की तरह इसने फील किया, बीच में बैठी हुई थी ना, इसे कूदने नहीं दे रहे बेचारे को। कूद भी नहीं, कूद रही है क्योंकि वापस कौन खींचेगा? सही बात है, नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली, थोड़ा वो हमारे मैं जाऊंगी लास्ट में, हमारे भैया ही डर रहे थे जो थे ना, वो क्या कहते हैं जो नाव वाव चला रहे, पिछले साल की यादें फिर से ताजा हो गई कि दोबारा से हम लोग आए हैं रिवर राफ्टिंग के लिए, और हमने मुझे याद है पिछली बार हमने थोड़ा सा आगे जाकर वहाँ पर लव के लिए हैप्पी दिवाली फ्रॉम रुद्राक्ष ऐसे भी पत्थरों से लिखा था, तो बहुत सुंदर सा था। चलो 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 चलो, चीयर्स करने, चीयर्स करें, चलो 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 चलो, चीयर्स 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 चीयर्स, चीयर्स ले लो ले लो ले, तितली टेक इट्स जस्ट टू लेट, सो जस्ट डांस वंस कर चुके हैं। It's like a perfect location. We just had our food and everything. Everybody's standing. मैं रिकॉर्ड कर रहा था, पार्टी में आए थे। ये सब, this is not supposed to happen like this. कैसे? Stop vlogging. क्यों? हम पार्टी में आए तो क्या हो गया? पार्टी में आने का तो किया नहीं, अब जाने का कर रहे हैं। हाँ मुझे लगता है यही दिक्कत है, मैं हमेशा बाद की चीजें रिकॉर्ड करता हूँ, बीच का तो करा ही नहीं मैंने। ए से जेड बोल दिया, ए से जेड लिख दिया, बीच की कौन कर लिखा, ए भी लिख शुरू कर रहा है जेड से। ओह ऐसे थोड़ा ना होता। तो बताना भूल गया कि हमने एक्चुअली क्या करी थी, मिनी बस करी थी, और हमने दिखाया भी नहीं अब तक मिनी बस करके आए थे हम ऋषिकेश। हां मिनी बस करके, तो मैंने लव को बोला था चल ऋषिकेश चलते हैं, देन व्हाट लव डिड दिस लव क्रिएटेड अ ग्रेट ट्रिप, मिनी बस बुक कर लिया। इट वाज वाओ यार, तू क्या पागल है क्या?
ओके गाइस, इट्स अनदर डे इन ऋषिकेश। क्या बैठे बैठते तो यार, इसकी सेल्फी नहीं खत्म होती 24 घंटे। कहां सेल्फी ले रही हूं, हद हो गया। अभी तो ले ली थी पूरी पूरी, इसने ऐसे किया था। और मुझे अभी से रोना आ रहा है बिकॉज़ टुमारो आई एम गोइंग टू लीव एंड दिस ट्रिप वाज सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। लग एक दिन का ट्रिप ऐसा इतना ना, एक दिन का ट्रिप इतना अच्छा। आई मीन पता है हिमांशु इतने विल टॉट बी, आई वांट, आई डोंट नो लाइक हिमांशु, आई डोंट नो राजन, आई एम नॉट गोना बी कंफर्टेबल। और फिर आखिरी में उन्हीं के साथ सोई रात को। ये अकेली सोई थी, तू किसी और के साथ सोई थी। एग्जैक्टली माय पॉइंट। थोड़ा बहक जाता होगा इसमें, क्या करूं ऐसे। So that's it, I mean it was a very much fun trip. तूने मुझे अकेला छोड़ा, excuse me. मैं था कब साथ। How bitch are you? Just tell me that, bro. Yes, I am. हाँ तो love is back यार, उसको अकेले सोना है नीचे, ये वाला bed. और नीचे अकेले कोई और ही सो रहा था। हाँ और अकेले मैं सो रही थी actually। हाँ और ये चार लोगों के साथ दब के। Trip तो बहुत अच्छा था। तू भी खुशी की बन रहा है भाई। खुशी ऐसे इरिटेट करती थी मेरे को जब मैं ब्लॉग कर रहा होता था। ओह माय गॉड, रिप्लेसमेंट ऑफ खुशी, रिप्लेसमेंट ऑफ सिद्धांश, सब मिल रहे हैं। ऋषि के सब भी मिल रहे हैं। तेरा कैसा रहा एक्सपीरियंस यार हिमांशु हमारे साथ फर्स्ट टाइम? बढ़िया था। आई एम वाली लैंग्वेज में अच्छा सोचा नहीं था कि इतना, मतलब 24 आवर्स में कल रात को हम बात कर रहे थे कि इतना अच्छा फील होगा कि हमने तो बहुत किया, तुझे पता है नहीं होगा। नहीं, दैट वाज नॉट इम्पोर्टेंट। तेरी ढंग की फोटो आती नहीं, क्या करे। हाउ इज योर गैंजीज एक्सपीरियंस? Ganges का Ganges Ganga, my god, मैं खुद ही भूल जाती हूँ इसकी इंग्लिश, इतनी वैसी है। अमेजिंग लग रहा है मुझे वैसे तो ऋषिकेश। आई लव ऋषिकेश फॉर द सेकंड टाइम आई केम हियर, बट वन डे ट्रिप, दिस वाज द बेस्ट वन डे ट्रिप एंड थैंक्स टू माय बेस्ट फ्रेंड लव फॉर अरेंजिंग एवरीथिंग एंड ऑल द पीपल हियर एंड शी इज वेयरिंग माय टी-शर्ट व्हिच आई नेवर वोर। हां, सो इट्स अ गिफ्ट फॉर ये टी-शर्ट लव का है और ये कौशिक का है। ये चश्मा भी किसी और के नहीं, ये चश्मा मेरा है, तो मैं अगली बार से कपड़े लाऊंगी ही नहीं। मैंने ये एक ऐसी लड़की जो इतनी अमीर होके भी अमीर की तरह नहीं रहती। अमीर नहीं, ओ प्लीज बेस, नॉर्वे में जाके 10 लाख का हनीमून मनाने के बाद ये कहती हो तुम? इट्स ओके। हां, बट शी लिव्ड माय ड्रीम कवर्ड विद स्नो के अंदर एंड ऑल। वो तेरे फोटोज में रही है ना, जैसे कहा नॉर्वे गई थी, हम तो मनाली चले जाते। तुम तो बिल्कुल शांत हो। नहीं, अच्छा था। तुम तो क्या इतने शांत से क्यों हो तुम? शांति पसंद है थोड़ी, और इतनी अच्छी जगह आके शांत मन ना हो तो फिर क्या बात है। सही बात है, समय सुन रही है तू? ये देखो यहाँ दीदी फोटो खिंचवा था विक्की मैडम, बिल्कुल स्टाइल में भाई कतई। और वो शिवलिंग जो तुम जिसे वो कर रहे थे, देखो गाइस किसी ने, तो मेरे इष्ट देव है। इष्ट, चल ठीक है, जस्ट कंटिन्यू कर। राजन क्लिकिंग पिक्चर्स, राजन सबसे पहले तैयार होता है। राजन इज मेरी बहनों का सबसे फेवरेट राजन है मुझे लगता है। तो देखो खाना चाहते हो हमारा फ्रीडम कैफे, फ्रीडम कैफे से हम खाना खा रहे हैं एंड जेनरली वी टुक समथिंग रियली डिफरेंट, लाइक बरीटो, वी टुक सम पास्ता, वी टुक सम मशरूम प्लेटर एंड वी, हाउ इज द फूड तितली? ये पिज्जा तो माशाल्लाह, जो ऑर्डर किया है, और ये इसका मशरूम प्लेटर। वैसे गाइस इज द फूड इज रियली वेरी वेरी एवरेज, आई डोंट नो एक्चुअली बिकॉज़ इट्स अ कॉन्टिनेंटल फ्लेवर, फ्लेवर्स बहुत ज्यादा सटल सटल है। दिस इज अ कॉन्टिनेंटल फ्लेवर विद इंडियन फ्लेवर्स। ये वही है वो जो, अरे वही नहीं होते वो कॉन्डम के ब्रांड्स बना देते, अचारी कॉन्डम एंड ऑल दैट, ये उस वाला सीन हो गया। पता नहीं हमने यूज नहीं किया अचारी, तो यूज ही नहीं करता भाई। नहीं, ऑटो से नहीं जा सकते। हेलो, ये गंदा वाला हग होगा। चलो उसकी फ्लाइट जा रही है, चल चल। अभी भी पता है सरोजनी नगर, पता है सुनो तो, सरोजनी नगर जाके गई बैग लेके, मैं भर के कपड़े भाई मिल गई जैकेट उनकी।
हाँ 30-30 रुपए वाले, 30-30 रुपए वाले गुची की नकली बेल्ट उनकी जैकेट नहीं मिली एक बार हमने 10-10 रुपए में लिए थे। बाय दिल्ली, आई होप यू हैड फन। आई हैड सो मच फन दिस ईयर एंड इट वाज द बेस्ट दिसंबर इन दिल्ली। थैंक्स टू लव, थैंक्स टू दीक्षा एंड विश यू वेरी मेनी 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 हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर एक्चुअली। हैप्पी न्यू ईयर गाइस, हैव अ ब्लास्ट 2022। बाय लव, बाय दीक्षा, इट वाज लवली मीटिंग यू टू आल्सो। ध्यान रखियो, पहुंच के बता दियो। Yes guys, so आपने ब्लॉग देखा, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। तो यू नो, अब आप काफी लोग में से ये पूछ रहे कि अब क्या होने वाला है, अब लड़ोदरा इस साल क्या करेगा। देखो यार, अब मैं उन लोगों में से हूं नहीं कि मुझे क्या क्या करना है, वो तो अब किसी को भी नहीं पता कि आगे क्या करना है, बिकॉज सबकी राहें जो होती है, राहें से डगमगा रही है, कदम ऐसे डगमगा रहे हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पहले तो बस मैं ये दुआ करूंगा जल्दी से वायरस जाए और दोबारा से आर लाइफ कम बैक ऑन अ ट्रैक वेरी सून। कमेंट सेक्शन में बताओ इस ब्लॉग का क्या अच्छा लगा और आप किस तरीके का कंटेंट इस साल मेरे से देखना चाहते हो। बट डोंट टाइप प्रैंक करो, आई कैनॉट डू इट, आई एम ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आई थिंक आई कैनॉट डू इट। प्रैंक कर रहे हैं आजकल ये वायरस बार बार सीरीज की तरह देखे। बट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ ऑल आई कैन से। Stay home, stay safe, and I love you so much. And मेरा प्यार आपके लिए इतना सा भी कम नहीं हुआ है, इतना था, इतना ही है अभी भी और हमेशा इतना ही रहेगा, because आप लोग हो तो शायद आज मैं यहाँ हूँ। Thank you, take care of yourself, love you.